कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाद की बढ़ती कीमतों को लेकर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की वजह से किसानों का हाल बहुत ही दयनीय है। ऐसी स्थिति में खादों को दुगना कीमत पर खरीदना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। किसान को यूरिया खाद के तय मूल्यों से अतिरिक्त मूल्य देना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। उन्होंने खाद की कीमतों में कमी लाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, देश में तो चल रहा तो अभी यूपी में, पूरे यूपी में पूरा पता है जोन में हम हैं, दूरी बनाए मेरे से भी बचाव करिए। नहीं नहीं सही है, सही है। ओके सर जी, अरे आप देख लीजिएगा। अरे जी ये पढ़ के सुना दिया जाए कि आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं आप बोल देंगे, मैं बोल देता हूँ जी। इस सरकार में किसान को किसान परेशान है, सभी लोग परेशान है, आम जनता और ये हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा एक निवेदन व्यक्तिगत रूप से है, अभी ईश्वर ने सबको परेशान किया है, पहले उसका संकट होना चाहिए। तहसील और महोदय सदर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, आज किसान की हालत दयनीय है। बाढ़ सूखा मार झेलने वाला किसान यूरिया की किल्लत से परेशान है। महंगा डीजल बिजली यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसानों के लागत मूल्य निकल पाना मुश्किल हो गया है। किसान सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपये का अनुदान सम्मान नहीं अपमान है। कांग्रेस के न्याय योजना के लागू करने की जरूरत है, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रति माह से राहत मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के लिए गोधन योजना, न्याय योजना से किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। इस तरह की योजनाएं और संपन्न जीवन व्यतीत कर सके। कांग्रेस ने सदैव किसान हित में कार्य किया है, इसलिए कांग्रेसी सरकारों में डीजल व खाद पर सब्सिडी दिया जाता रहा, परंतु वर्तमान की भाजपा सरकार ने सब्सिडी को खत्म कर दिया है। हमारी मांग है कि यूरिया खाद की कालाबाजारी पर रोक लगे, किसानों को डीजल खाद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए, किसानों के बिजली की दर आधी की जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। आपका ये जो ज्ञापन है, इसको आज ही अपना कवरिंग लेटर लगाकर मैं शासन को एक निवेदन और बताएँ। आप यहाँ के मुखिया है, थोड़ा सा दूरी आप जिलाध्यक्ष हैं, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। आम आदमी विदाउट एनी पार्टी, विदाउट एनी दल, विदाउट एनी कोई भी व्यक्ति आए हमारे किसी कार्यालय में, अगर कोई मिसबिहेव होता हो या उसकी बात ना सुनी जाती। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें न करने वाले चीजों के लिए जब दबाव बनाया जाए। निर्मला पासवान जिलाध्यक्ष गोरखपुर, आज का ज्ञापन प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिले और तहसील में ये यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस महामारी में भी इतनी त्रस्तता है कि यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है, इस दाम को कम करें, ये हम लोग की मांग है।